2019 का चुनाव अंतिम चरण में है। इन चुनावों में हिंदू हिंदुत्व और हिंदू आतंकवाद के बीच बहस छिड़ गई। इस बीच साउथ के सुपरस्टार और मक्कल निधि माइक पार्टी के प्रमुख कमल हसन ने नई हवा दे दी। कमल हसन ने एक सभा में कहा कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी हिंदू ही था और वो था नाथुराम गोडसे। कमल हसन ने जहां ये बात कही वहां पर कई मुस्लिम मौजूद थे। कमल हसन के हिंदू आतंकी वाले बयान पर बीजेपी भड़क गई। ये कमल हसन जैसे लोग वही हैं जो जिस पत्तल में खाते हैं उसी पत्तल में छेद करते हैं। कमल हसन हो, आमिर खान हो या और भी ऐसे कई कलाकार हैं, नसरुद्दीन शाह हो, जिनको नसरुद्दीन से नसरुद्दीन शाह बना देता है, कमल से कमल हसन, यही हिंदू बनाता है। ये कांग्रेस की भाषा बोलने लगे हैं चुनाव में। जिस कांग्रेस ने कहा था भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आज कमल हसन की भाषा वही भाषा है। ये लोग भारत को बदनाम करने के लिए, अरे हिंदू का तुमने कहाँ देखा, अगर हिंदू ना होता तो तुम कमल हसन नहीं होते। हिंदू तो चींटी को भी गुड़ देता है, वृक्ष को जल देता और तुम्हारे जैसे सर्प को दूध दे करके पालता है और कमल से कमल हसन बना देता है, और फिर भी गाली देते हो, अब देश बर्दाश्त नहीं कर। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव आयोग से कमल हसन की शिकायत की। उन्होंने दो समुदाय के बीच उन्माद फैलाने को लेकर उन पर FIR दर्ज कराने की मांग भी की है। शिकायत में बीजेपी ने कमल हसन के चुनाव प्रचार पर 5 दिन तक रोक लगाने की मांग की है। इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें आग से न खेलने की चेतावनी भी दी है। कमल हसन जैसे लोग जो केवल केवल हिंदू आस्था, हिंदुओं को अपमानित और भारत की संस्कृति को नष्ट करने के काम करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर सत्य है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या आतंकवादी घटना ही है और कायरतापूर्ण है, लेकिन मैं इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ता। ये एक विचारधारा है नफरत की, जो पूरे दुनिया को नुकसान पहुंचा रही है, और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा इसका दर्द झेला है। हमने दो दो प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपिता और एक मुख्यमंत्री, 4 बड़े महानायकों को कांग्रेस ने खोया है। ये नाथुराम गोडसे तो पहले आतंकवादी थे, क्योंकि हिंदुस्तान के आज़ाद हिंदुस्तान में महात्मा गांधी हिंदुस्तान का एक प्रतीक थे। उनका कत्ल एक विचार के तहत किया गया था। ये हेगड़ेवार, सारवारकर और जो RSS की पैदावार थे नाथुराम गोडसे, अब वो हिंदू थे। ये नफरत भरे एक इंसान थे, क्योंकि कत्ल करने वाले महात्मा गांधी भी हिंदू थे, वो मरते मरते राम का नाम लेते गए। तो ये एक विचार है, नफरत, जो नफरत भरे लोग होते हैं वो आतंकवाद का प्रतीक बनते हैं, अब वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। वहीं अयोध्या के कई साधु संतों ने कमल हसन का विरोध किया। साधु संतों का कहना है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, कमल हसन को माफी मांगनी चाहिए। अब कमल हसन को कौन बताए समझाए, हिंदू आतंकवादी कभी हो सकता नहीं है। हिंदू की मानसिकता, हिंदू का संस्कार हमेशा किसी को मारने का, किसी को पीटने का, किसी के साथ तचरने का कार है ही नहीं है। लोगों को कुछ इतिहास पढ़ना चाहिए। देश का विभाजन और पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों से भरी लाशें, ये तो फूल के गुच्छे आ रहे थे ना उनकी निगाहों में। ये कमल हसन टाइप के लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में, इन्हें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दिखता है। इतनी हत्याएं इन मुसलमानों ने की है हिंदुओं की, अगर उसकी गणना हो जितने मंदिर तोड़े हैं, तो इन पापियों के खून से देश रंग जाएगा। वहीं फिल्म जगत से जुड़े कई लोगों ने कमल हसन के बयान पर विरोध जताया है कि पहली बार नहीं जब हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया हो। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से हिंदू आतंकवाद का मुद्दा गरमाया हुआ था। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व तो विपक्ष के नेता सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल इलाके में वोट मांगने के लिए कुछ नेता तुष्टिकरण की राजनीति को अपना रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का ऐसा कहना है कि अंतिम चरण का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।